हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि ये मेरे एरिका पाम के ऊपर है। आप देख सकते हैं इसकी लीव्स कैसे पीली पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी का मेरा एरिका पाम है। पहले मैंने लॉन्ग वैरायटी के ऊपर एरिका पाम का वीडियो शेयर किया था। ये देखिए, इसकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हैं जो आप देख सकते हैं। इन डॉट्स की वजह से ही मेरा एरिका पाम ख़राब हो रहा है। अब ये डॉट्स किस वजह से हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देखिए, आप मैं इस लीफ को खींच रही हूँ तो ये खींच कर ये रिमूव भी हो जाता है, और अगर हम लोग पानी और ब्रश की मदद से इसकी लीव्स को धोएं तो भी ये हट जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये फंगस की वजह से आ गए हैं, और मेरे ड्वार्फ वैरायटी के एरिका पाम में फंगस लग गया है, जिस वजह से इसकी पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, उसके बाद पत्तियाँ पीली पड़ जा रही हैं और बाद में सूखकर ख़राब हो रही हैं। और ये पुरानी पत्तियों पर तो हो ही रहा है, साथ साथ नई पत्तियाँ जो मेरे प्लांट में आ रही हैं उनमें भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस पौधे की गुड़ाई कर लेंगे, इस पौधे की मिट्टी को अच्छे से शफल कर लेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें इस फंजीसाइड का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं ये बेविस्टिन का फंजीसाइड है, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। आप लोग भी मंगवा सकते हैं, आप लोग भी मंगा सकते हैं इसको अमेज़ॉन से। और ये मैंने पूरे में 2 टीस्पून मैंने फंजीसाइड लिया था। इसको मैंने पूरे प्लांट में अच्छे से डाल दिया है, चारों तरफ प्लांट में, और इसकी मिट्टी के साथ इसको मिक्स कर दिया है। और फंगीसाइड जो है वो एरिका पाम में ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एरिका पाम को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है और इसकी मिट्टी को हम ज़्यादातर गीला रखते हैं। और इसकी लीव्स को मैंने, जो ख़राब लीव्स हैं इसको मैंने हटा दिया है, ताकि ये जो नई लीव्स मेरी आई हैं उनको भी ख़राब ना कर दें। इसलिए नीचे से जो इसकी स्टेम है जो ख़राब हो गई है, जिसमें फंगस लगा हुआ है, वो भी मैं रिमूव कर रही हूँ और इसकी लीव्स को भी हटा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एरिका पाम को ह्यूमिडिटी पसंद है, इसकी वजह से इसमें फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जा सकती है। तो आप भी अगर अपने प्लांट में इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने प्लांट में फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर करें। और आप फंजीसाइड या तो लोकल शॉप से ले सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़े से फंजीसाइड से आप अपने प्लांट को फंगस से बचा सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं। मैंने इसमें लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी, इसमें काफ़ी नई पत्तियाँ निकल रही हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये फंजीसाइड जो है वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे जड़ों तक पहुँच जाए। और पानी डालने के बाद ये देखिए, ये जो मेरा पौधा है अब आप देख सकते हैं। और ये पौधा है मेरा 4 दिन का अपडेट के बाद, ये अपडेट है मेरा जब मैंने फंजीसाइड दिया था उसके 4 दिन के बाद का ये अपडेट है सुबह का। और ये देखिए, इसमें काफ़ी नई पत्तियां हैं। जो नई पत्तियां हैं उन पर भी कोई इस तरीके के डॉट्स अब नहीं दिख रहे हैं। जो पुरानी पत्तियाँ हैं उन पर भी जो डॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, और इस फंजीसाइड ने बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाया मेरे प्लांट पर। और जो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ उसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दी है मेरे प्लांट को। और तो ये अपडेट है मेरे प्लांट का। तो आप लोग भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने प्लांट के साथ तो आप फंजीसाइड का यूज़ करें, और अच्छी ग्रोथ के लिए लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र का भी अपने प्लांट में यूज़ करें। गर्मियों में भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने प्लांट को काफ़ी हेल्दियर बना सकते हैं। तो मेरे प्लांट का अपडेट देखने के बाद आप अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस बताइएगा, क्योंकि मैं एक नई लर्नर हूँ गार्डनर, और आप अपने सजेशंस के साथ मुझे बताइएगा कि क्या बेटर मैं कर सकती हूँ अपने गार्डन के लिए। और अपने सजेशंस में बताइएगा कमेंट्स में कि मैं अपने प्लांट्स को किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा बेहतर बना सकती हूँ। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा सीखने के लिए, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मैं भी कुछ गलतियाँ कर देती हूँ कभी कभी अपने पौधों के साथ, ताकि मैं उनको अच्छा सा नहीं कभी कभी रख पाती हूँ। फिर बाद में मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ और फिर जाकर मैं अपने पौधों को अच्छा कर लेती हूँ। तो आप भी बताइएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं।
फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सजेशंस मुझको देते रहिए। और अपना और अपने पौधों का बहुत ध्यान रखिए। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, अपने पौधों का काफ़ी ध्यान रखिए। बाय बाय।